अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी नाइट की जो रूटीन है वो आपको दिखाऊंगा। रात को असल में ऐसा होता है कि हम सभी साथ बैठ के खाना खाते हैं, भाई और अब्बू सभी साथ में बैठ के खाना खाते हैं। तो जो हमारा खाना खाने का टाइम है वो है तकरीबन 8 से लेके 8:30 बजे तक या 9 बजे तक। तो जब तक ये टाइम होता है तब तक मैं अपने पीसी पे बैठा होता हूँ, और जब तक खाना लगे तब तक मैं पीसी में बैठ के और किसी का व्लॉग वगैरह देख लेता हूँ, उनसे इंस्पायरेशन होता हूँ, इंस्पायर होता हूँ ताकि व्लॉग बनाने की मुझ में थोड़ी हिम्मत आ जाए आगे वाले का व्लॉग देख के। तो अभी ये मेरा पीसी है, ये आप लोग देख सकते हो। ये तो नूडल्स हैं, ये अभी मैं नूडल्स खा रहा था, तो अभी मैंने कहा चलो थोड़े बहुत नूडल्स खा लेता हूँ। ये अभी आप लोग मेरा कंप्यूटर देख सकते हो, मेरा पीसी। ये अभी मैं एक्चुअली फातिमा जाफरी का मैं व्लॉग देख रहा था, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना व्लॉग बनाया जाए और आपको भी दिखाया जाए। अभी हम ये खा लेते हैं थोड़े नूडल्स वगैरह, फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद जो रूटीन है फिर मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी आप लोग मेरे फेस पर आप लोग देख रहे हो, तो ये असल में लाइटिंग, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एकदम से लाइटिंग कहाँ से आ गई। असल में मैंने रिंग लाइट अपनी ओपन की हुई है, मैंने कहा अगर मैं वीडियो बनाऊँ, कोई व्लॉग वगैरह बनाऊँ तो उसके लिए लाइटिंग होना ज़रूरी है, तो थोड़ी बहुत लाइटिंग हो जाएगी। ये रिंग लाइट मेरी छोटी सी, ये देखो ये चल रही है। ये असल में मैंने बस फ़िलहाल के लिए, ऐसे मेरे पास बजट कम था इस वजह से मैंने छोटी ये रिंग लाइट ले ली। अभी यार ये कहाँ से आ गया यार, ये ना ये जो चींटियाँ हैं, मकोड़े हैं, चींटियाँ ये बहुत हैं यार इधर, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। आपके घर में भी बहुत ज़्यादा होंगे। मैं तो यार क्या बोलूँ, इसके ऊपर पाउडर डाल के उनको मार मार के बहुत थक चुका हूँ, ये मरते ही नहीं हैं, जब देखो कान में घुस जाते हैं। फिलहाल के लिए हम अपना ये अपने नूडल्स निपटा लेते हैं, नूडल्स खा लें, फिर उसके बाद हम शायद मैं असल में नूडल्स खाता नहीं हूँ, ये छोटा भाई खाता है, थोड़े ज़्यादा बन गए थे इस वजह से मैंने कहा चलो ये ज़ाया हो जाएंगे, मैं खा लेता हूँ। नूडल्स के ऊपर मैं हमेशा जब भी खाता हूँ तो इसके ऊपर ऐसे नहीं खाता, इसके ऊपर पहले मैं सलाद डालता हूँ, फिर उसके बाद ये आप लोग ये छोटे छोटे से देख रहे होंगे, इसके ऊपर मैं एक तो लेज चिप्स डालता हूँ, फिर उसके बाद नीमको होती है ना नीमको, वो डालता हूँ, उसके बाद बोतल लग के भी खा लेता हूँ, इससे जो इसका टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और खाने में मज़ा आता है। अभी जब वो मैं खा रहा हूँ ना तो इसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हमने अपने नूडल्स खा लिए, अभी जल्दी से इस प्लेट को हम किचन में रख लेते हैं वरना अम्मी जान मुझे बहुत डांटेगी। तो अभी हम वापस अपने रूम में ऊपर जा रहे हैं, असल में मैं ऊपर होता हूँ, ठीक है, मेरा जो रूम है ऊपर है और ये सेकंड फ्लोर है, अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे था नीचे, ये है मेरा रूम। तो जैसा कि जब हम खाना खा के, आज असल में मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने अभी नूडल्स खाए हैं, तो अभी मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, तो इस वजह से जब मैं खाना खा के फ्री हो जाता हूँ तो उसके बाद मैं पहले तो मैं यार ये लाइट्स जला दूँ, जब मैं खाना खा के फ्री हो जाता हूँ तो फिर उसके बाद मैं ऐसे आप लोग देख सकते हैं मैं से वॉक करता हूँ, वॉक, क्योंकि खाना खाने के बाद वॉक हमेशा लाजमी है। तो तकरीबन बस ऐसे आप लोग ये देख सकते हो, कानों में हेडफोन लगा के, हाथ में मोबाइल पकड़ के, सॉन्ग चालू करके, फिर उसके बाद मैं इसे वॉक करता हूँ, आधा घंटा या घंटा वॉक करता हूँ, फिर उसके बाद फिर से मैं कंप्यूटर पे आ जाता हूँ, कंप्यूटर पे आके फिर कुछ व्लॉग्स देखता हूँ, कुछ यूट्यूब के हवाले से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखता हूँ, उसके बाद कोई मूवी या ड्रामा हो तो ड्रामा देखता हूँ, फिर उसके बाद मैं सो जाता हूँ। अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं कैसे ये वॉक कर रहा हूँ, ये असल में आप लोग मैं जो पीछे देख रहे हो ये मेरे घर की बालकनी है,
अभी यहाँ पे जो बल्ब से ऑफ है, अंधेरा है आपको अभी यहाँ पे अंधेरा नजर आ रहा होगा। वॉक कर रहे हैं, वॉक हमेशा आप लोग लाजमी करें क्योंकि वॉक सेहत के लिए भी सही है और हमेशा खाना खाने के बाद वॉक लाजमी क्या करें। मैं तो बहुत मोटा हो गया हूँ, ज़्यादा खा जाता हूँ ना, इस वजह से अभी मैं थोड़ी बहुत डाइटिंग करता हूँ। तो अभी हम वॉक कर लेते हैं। तो गाइस खाना खाने के बाद और वॉक करने के बाद जैसे मैं फ्री होता हूँ फिर मैं जाके अपने पीसी पे बैठ जाता हूँ और फिर उसके बाद यूट्यूब चलाता हूँ। उसमें मैं कुछ व्लॉग्स वगैरह देखता हूँ, उस पर कुछ इंस्पायरेशन, मतलब कि मैं ना जब किसी और के व्लॉग्स देखता हूँ तो मुझे एक इंस्पायरेशन सी मिलती है। 9 बजे खाना खा के फ्री हो जाता हूँ, उसके बाद 10 बजे तक मैं कंप्यूटर बैठा होता हूँ और 10 बजे अपनी जो एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ व्लॉग की। तो व्लॉग जैसे मैं एडिट करके बस कर लेता हूँ तकरीबन 12 बजे तक, फिर 12 बजे के बाद मैं सो जाता हूँ। अच्छा तो गाइस ये था आज का मेरा रात का रूटीन जो मैंने आपको कुछ बताया और दिखाया भी। तो अभी मुझे अपने पीसी में काम है, वो मुझे काम निपटाना है। तो जाने से पहले आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मैं ऐसी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।